एंड आर लिटिल इम्प्रेस्ड। अली परेशान नज़र आया और उसको कुछ शर्मिंदगी हुई। बट वॉज दिस पार्ट ऑफ हिज एक्ट, लेकिन ये इसके एक्ट का एक हिस्सा था। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ही सैड ब्रेवली, उसने बहादुरी से कहा, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रिक, कि ये एक बहुत मुश्किल ट्रिक था। अली क्रॉल्ड अंडर द टेबल विद हिज शीट एंड केम आउट विद अ विगलिंग बंडल। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो घुटनों के बल बैठा हुआ है। क्रॉल का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ना, ये घुटनों के बल बैठते हैं, तो इस तरह वो टेबल के नीचे गया और फिर क्या हुआ, केम आउट विद अ विगलिंग बंडल, और फिर एक जो है वो बंडल के साथ जो कि ट्विस्ट हो रहा था बाहर आया। ही हेल्ड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम, उसने इस बार उसको बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा सख्त करके पकड़ा हुआ था। एंड मैनेज टू टेक द वॉन्ड इन हिज लेफ्ट हैंड, और उसने अपनी जो छड़ी थी उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ था। एंड वेव इट अराउंड द शीट, और वो उसको शीट के आसपास घुमा रहा था। आबरा कडाबरा, होकस पोकस, रीटा मठा, पोटैटा मटैटा, टूडल ऊ, जैसे वो आबरा कडाबरा वो मंत्र से पढ़ते हैं, उसने ये सारा जो है वो मंत्र पढ़ा। ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, वो ये मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया और फिर उसने जो शीट थी वो हवा में दराज कर दी, मतलब ये कि हवा में उसको छोड़ा। द ऑडियंस गास्प्ड इन सरप्राइज, जो देखने वाले थे उन्होंने हैरत से हांफना शुरू कर दिया। द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द स्टेज, और जो शीट थी फ्लोटेड वो तैरती हुई आहिस्ता से स्टेज पर नीचे आई। बट देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर, लेकिन कहीं भी कुत्ता जो था वो नज़र नहीं आ रहा था। अमेजिंग वेल डन क्राइड द ऑडियंस एंड फ्लोटेड loudly as the curtain came down, मतलब उन्होंने उसे सराहते हुए या उसकी तारीफ़ करते हुए उसे amazing well done कहा, ठीक है, उसको सराहा ऊंची आवाज़ में। as the curtain came down, जब पर्दा जो था वो नीचे गिर गया, ठीक है, मतलब ये कि जब उसका एक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ऑडियंस ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। when द बेल रिंग द नेक्स्ट डे एंड द चिल्ड्रन वेंट टू देयर, जब बेल बजी अगले दिन और बच्चे अपनी क्लासरूम में गए, मिस्टर खान कंग्रेचुलेटेड देम ऑन अ मार्वलस शो, तो जो मिस्टर खान थे उन्होंने सारे बच्चों को मुबारकबाद दी एक बहुत अच्छा बहुत उमदा शो करने पर। अली सैड मिस्टर खान, अली सैड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने अली को मुखातिब करके कहा, योर ट्रिक वाज जस्ट ग्रेट, तुम्हारा ट्रिक बहुत अच्छा था, बट टेल अस हाउ डिड यू डिड इट, लेकिन हमें बताओ कि तुमने ये कैसे किया। इट वाज मैजिक, ये जादू था, सैड अली विद अ शाय स्माइल, अली एक जो है वो स्माइल जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा कर मुस्कुराया। नो टेल अस अली, नहीं बताओ हमें, अली टेल अस हमें बताओ, क्राइड द अदर, दूसरे बच्चे भी चिल्लाए। वेल अच्छा, व्हाट हैपन्ड वाज दिस, ये कैसे हुआ, एक्सप्लेन्ड अली, अली ने बताया, बिफोर द कर्टन वेंट अप, जब पहले जो है वो पर्दे से, आई पुट सम ऑफ स्मोकीज फेवरेट बिस्किट्स अंडर द टेबल, मैंने क्या किया, मतलब ये कि पर्दे पे जाने से पहले मैंने जो टेबल था उसके नीचे कुछ
स्मोकी के जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद बिस्किट थे वो रख दिए। आई शोड स्मोकी वेयर देवर, और मैंने वो स्मोकी को दिखा दिए कि उसने वो कहाँ रखे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। व्हेन आई कैरीड हिम ऑन टू द स्टेज, जब मैं उसको स्टेज पर ले गया, आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली, तो मैंने उसे बहुत सख्ती से नहीं पकड़ा हुआ था। आई अलाउड हिम टू जम्प आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस एंड रन अंडर द टेबल, मैंने उसे ये इजाज़त दी या मैंने उसको अलाउ किया कि वो जंप करे मेरे बाजुओं से ट्वाइस, दो बार, और भाग कर टेबल के अंदर चला जाए। When I went to get Smokey for the third time, जब मैं Smokey को तीसरी दफ़ा लेने गया, I only pretended to put him under the cloth, तो मैंने सिर्फ ये ज़ाहिर किया या मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कपड़े के नीचे है। He was still under the table, वो अभी भी टेबल के नीचे था। मर्चिंग बिस्किट्स, अपने पसंदीदा बिस्किट्स जो हैं वो दांतों से चबाते हुए। दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्राम हिज क्लासमेट्स, ही लुक सो प्लीज, इस दफ़ा अली ने बहुत ज़्यादा उसको जो है वो अप्रिसिएशन मिली, बहुत ज़्यादा उसके लिए तालियां बजी और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था।